दोस्तों, आज मैं आपको अस्तर की सूट की कटिंग कैसे होती है ये बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े को धो के प्रेस कर लेंगे और उसको एक साइड से फोल्ड कर लेंगे और उस फोल्ड करने का माप हम अपने घेरे से लेंगे। हमारा घेरा जितना होता है उसका चौथा हिस्सा माप के उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, उतनी चौड़ाई हम रख लेंगे। और लंबाई रखने के लिए लंबाई हमारे सूट की जितनी लेंथ हमें चाहिए उससे हम 5 इंच कम रखते हैं अस्तर को। और हमें कटिंग के निशान लगाने के लिए सबसे पहले मेजरमेंट की जरूरत होती है। यहाँ पे मेजरमेंट मैंने नोट कर लिया है। इसमें हमारा शोल्डर का माप है 13 इंच। यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाना शुरू करेंगे जहाँ से 4 हिस्से बंद होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 13 इंच का आधा 6.5 इंच ले लेंगे। 7.5 होता है लेकिन हम 6.5 इंच ले लेंगे, 6.5 इंच काफ़ी होता है। और हम आर्म होल साइड में यहाँ से इससे आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। हमने यहाँ से 6.5 लिया है तो यहाँ से हम 7 इंच ले लेंगे और 7 इंच हमारा जहाँ भी कटता है वहाँ से हम इसे सीधी लाइन खींच देंगे। और इस लाइन के ऊपर हम यहाँ से भी 6.5 इंच माप लेंगे। हमारी ये दूरी और ये दूरी एक बराबर होनी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। ये माप के हिसाब से लगती है। जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं उनकी ये 2 से 2.5 इंच लगती है और पतले लोगों की ये आर्म होल का माप 1.5 से 2.5 इंच तक का लगता है। ये मैंने आर्म होल की गोलाई ले ली। इसके बाद हम कमर का माप लेंगे। कमर का माप हम शोल्डर से 15 इंच पे लेते हैं। ये भी हाइट के हिसाब से माप लगते हैं। अगर किसी की हाइट छोटी होती है ना तो हम यहाँ से 14 इंच पे माप लेंगे और अगर किसी की हाइट लंबी होती है तो उसके हम यहाँ से 15 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। निशान ऊपर से 22 इंच पे रखेंगे। ये भी हम हाइट के हिसाब से लगाते हैं। अगर किसी की हाइट कम होती है तो ये चौथा निशान 20 पे आता है और उससे ज़्यादा हाइट हुई तो 21 और 22 ऐसे करके इसके निशान लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका 22 इंच पे निशान लगा लिया। इसके बाद हम छाती के माप का निशान लगाना यहाँ से शुरू करेंगे। अगर हमारी छाती का माप इसमें 40 इंच है तो हम यहाँ पे उसका चौथा हिस्सा 10 इंच रख लेंगे। 10 इंच पे ये मैंने निशान लगा लिया है। इसके बाद हम इसमें 2 इंच मार्जिन के लिए रख लेंगे और ऐसे ही हम फिर यहाँ पे कमर का एक निशान लगाएंगे। हमारी कमर हमने 32 इंच मापी है तो उसका भी चौथा हिस्सा हमारा 8 इंच हो जाता है और इसमें भी हम 2 इंच मार्जिन के लिए रख लेंगे। यहाँ पे हम अपने चौक का निशान लगाएंगे। हमारे जो 39 इंच है उसका चौथा हिस्सा लेंगे, वो हमारा 10.5 होता है और उसमें भी हम 2 इंच मार्जिन के लिए रख लेंगे। इस तरह अंदर वाले निशान को मिला लेंगे। और ये हमारे मार्जिन वाले निशान को बाहर से पक से निशान बना लेंगे। सूट की कटिंग हमेशा इस निशान के ऊपर होती है। मैं अपना अस्तर को काट के तैयार कर लिया। अब हम अपने सूट को ऐसे बीच में से फोल्ड करके सूट के कपड़े को उसमें हम अस्तर आराम से जमा देंगे और इसके माप के और इसके बराबर हम इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे सूट का आगे का हिस्सा हमने अस्तर के हिसाब से कट कर लिया है और अब इसी कपड़े को रख के हम पीछे के सूट का पीछे का हिस्सा भी कट कर लेंगे। ये हमने हमारे सूट का सामने का हिस्सा कट करके तैयार कर लिया। इसी को रख के हम अपने पीछे के हिस्से भी सूट का हिस्सा को भी कट कर लेंगे। वीडियो में आपको ये सूट के साथ अस्तर को जोड़ना और कैसे सिलते हैं वो बताऊंगी।